बारा जिले का प्रसिद्ध डोल मेले का आगाज हो गया है। जलवा पूजन के लिए अद्भुत ढंग से सजाए विमानों में सवार देव प्रतिमाओं के दर्शन के लिए लोग उमड़ते दिखाई दिए। शोभा यात्रा में शामिल 9 अखाड़ों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर सभी को रोमांचित कर दिया। बारा में हड़ौती की प्रसिद्ध डोल मेला का आगाज जल झूलनी देव विमानों की शोभा यात्रा के साथ ही शुरू हो गया। इस बार धार्मिक मेले का शुभारंभ सियासत से परे संतों मुनियों की मौजूदगी में कराया गया। 21 दिन तक ये मेला परवान पर रहेगा। आजादी के बाद से ही मेले के स्वरूप में लगातार विस्तार हो रहा है। देव प्रतिमाओं के दर्शन के लिए मन में उल्लास लिए लाखों भक्त उमड़ रहे हैं। शोभा यात्रा में शामिल 9 अखाड़ों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों को रोमांचित कर दिया। देखिए मेले में जब लठबाजी का करतब शुरू हुआ तो लोग हैरान रह गए। यह अनूठा नजारा देखकर पहुंचे लोगों का मन रोमांचित हो गया। लठबाजी के बाद अखाड़ों के लोगों ने तलवारबाजी का हैरान कर देने वाला करतब दिखाया। ढोल और थाप की धुन पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर था। तभी देखिए अचानक इस करतब ने सबका मन मोह लिया। एक शख्स की पीठ पर बाइक सवार सवारी करते हुए निकल गया। लोग हैरान रह गए। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद डोल एकादशी पर शोभा यात्रा निकालकर लोग तालाब नदी और सूर्य की साक्षी में पूजन करते हैं। इसे जलवा पूजन कहा जाता है। गणेश मंदिर के बाद रघुनाथ जी और श्री जी के विमान का मिलान होगा। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। नगर परिषद के सभापति का कहना है कि नगर परिषद मेले को और भी भव्य बनाने में जुटी है। मेले में 400 से अधिक दुकानें लगी हैं, साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। डोल मेले का आयोजन लगभग 100 से सवा सौ वर्ष पुराना है और ये धार्मिकता आध्यात्मिकता और सामाजिक परंपराओं से जुड़ा हुआ एक मेला है जो हाड़ौती नहीं अपितु पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। इस डोल मेले में लगभग 56 से के लगभग देव विमान निकलते हैं, साथ ही दर्जन भर अखाड़े निकलते हैं। तो श्री जी कल्याण राय जी महाराज से लेके और वहाँ पहले राम जी रघुनाथ जी महाराज का एक पुरानी जो परंपरा चली आ रही है परमात्मा के रूप में, उसका एक महत्व है। लगभग 1,00,000 लोग आज के दिन बारा में इन विमानों को देखने के लिए बारा में आते हैं। बारा का प्रसिद्ध डोल मेला लोगों की आस्था का प्रतीक बन गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनूठे करतब इस मेले की शान में और भी चार चांद लगा रहे हैं। बारा से राम मेहता की रिपोर्ट।